Good morning class. Welcome to our e-learning classes. Today we will start our new chapter more about keyboard. Keyboard के बारे में अधिक से अधिक समझेंगे. जैसे कि हमने अपने previous chapter में सीखा था कि हम computer को start कैसे करते, computer को set down कैसे करते, हमने ये सीखा था. हम अपने इस chapter में keyboard का उपयोग करना सीखेंगे. Now start our chapter. First है हमारा alphabet keys. Alphabet keys क्या होती है? The alphabet keys are used to type letters, words and sentence. These keys have letters written on them. There are 26 alphabet keys from A to Z. आप ये हमारे कीबोर्ड की पिक्चर्स देख रहे हो ना, ये जो हमारे ग्रीन कलर से हुआ है वो हमारी अल्फ़ाबेट की है. आप अल्फ़ाबेट कीज की हेल्प से किसी भी लेटर, किसी भी वर्ड, किसी भी सेंटेंस को टाइप कर सकते हो अपने अपने कंप्यूटर पे. आप चाहते हो हम अपना नाम लिखें, आप वो भी लिख सकते हो. आप किसी चीज़ की स्पेलिंग लिखना चाहते हो, आप वो भी लिख सकते हो. आप अपने फ्रेंड को लेटर लिखना चाहते हो अपने कंप्यूटर के थ्रू, तो आप वो भी लिख सकते हो. नाउ नेक्स्ट है हमारा नंबर की. नंबर की क्या है? द नंबर कीज आर यूज टू टाइप नंबर्स. There are 10 number keys from 0 to 9. Some keys also have a numeric keypad on the right side of the keyboard. The numeric keypad also contains a set of number keys. आप देखो हमारा ये keyboard है, ठीक, ये हमारी green color से है, ये हमारी number key है. हमारी नंबर की 0 to 9, ये देखिए, ये है हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद हमारा 0 है. ये हमारी राइट हैंड साइड पे, ये देखिए, ये हमारी राइट हैंड साइड पे भी है. ये हमारी न्यूमेरिक कीपैड है. आप जो है नंबर की हेल्प से किसी भी नंबर को आप टाइप कर सकते हो. ये हमारा न्यूमेरिक कीपैड है. जब आप इससे नंबर टाइप करना चाहोगे तो आपको ये बटन प्रेस करना होगा. फिर आप अपने कीबोर्ड पे देखोगे ऊपर ग्रीन कलर की लाइट ऑन हो जाएगी, तो इसका मतलब है आपका न्यूमेरिक कीपैड ऑन हो चुका. आप इसके हेल्प से किसी भी नंबर को टाइप कर सकते हो. आप चाहते हो 41 लिखे, तो आपको कहीं 41 लिखा दिख रहा है इसमें, या आपको न्यूमेरिक कीपैड में, या आपको इस हमारी नंबर कीज़ में कहीं भी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना. तो आप क्या करोगे, पहले 4 प्रेस करोगे, फिर 1, तब हमारा 41 आएगा ना. नंबर की का क्या हेल्प है? नंबर कीज़ की हेल्प से आप किसी भी नंबर को टाइप कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट तो हमारी एक्टिविटी है. देखिए क्या लिखा है, कलर द कीज दैट यू विल यूज टू टाइप योर नेम इन रेड एंड रोल नंबर इन ब्लू. आप ये जो कीबोर्ड की पिक्चर है, आप इसमें क्या करोगे, आप अपना नेम रेड कलर से कलर करोगे अल्फाबेट की में, ठीक. आपका जो रोल नंबर होगा वो आप अपने ब्लू कलर से अपनी नंबर की पे करोगे कलर. नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा एंटर की. एंटर की क्या होती है? द एंटर कीज आर यूज टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन. ये आपको दिख रही है ना ग्रीन कलर में, ये हमारी दो एंटर की है जो हमारे कीबोर्ड में होती है. एंटर की का क्या यूज़ होता है? एंटर की आपको न्यू लाइन में लेके जाती है. आपने जैसे अपने कंप्यूटर पे कुछ भी लिखा है तो आपकी फर्स्ट लाइन फिनिश हो गई, आप चाहते हो कि हम उसको न्यू लाइन से लिखें, तो आप एंटर की हेल्प से अपनी नेक्स्ट न्यू लाइन पे जा सकते हो. देखिए जैसे ये क्या लिखा है हमारा, When you press the enter key, it does not type anything on the monitor, but it moves the cursor to the next line. A cursor is a small vertical blinking line. It indicates the position of the cursor. There are the generally two enter keys on the keyboard. देखिए क्या लिखा है, आप एंटर की जब प्रेस करोगे तो वो हमारे कीबोर्ड पे, हमारे मॉनिटर स्क्रीन पे कुछ नहीं लिखेगा, सिर्फ वो आपका जो कर्सर शो करता है वो आपको नेक्स्ट न्यू लाइन पे ले जाके देगा.
आप फिर अपनी न्यू लाइन पे कुछ भी टाइप कर सकते हो। एंटर की का क्या यूज़ है, ये देखिए हमारी ये एंटर की है, एक ये है, एक ये राइट साइड है, ये हमारी दोनों एंटर की है। एंटर की का क्या यूज़ है, एंटर की हमारे कंप्यूटर पे हमको नेक्स्ट न्यू लाइन ला के देती है। जब आप कुछ भी लिखते हो फर्स्ट लाइन फिनिश हो जाती है तो आप क्लिक करोगे तब आप सेकेंड लाइन पर जा सकते हो। नाउ डिड यू नो, क्या आपको पता है, सम कीबोर्ड्स हैज ओनली वन एंटर की, सम लैपटॉप्स ऑल्सो हैव वन एंटर की। हमारे कुछ कीबोर्ड में सिर्फ एक एंटर की होती है, आपके पास अगर लैपटॉप होगा तो आप उसमें देखोगे सिर्फ वन एंटर की होती है। एंटर की का क्या यूज़ है, एंटर की हेल्प से आप नेक्स्ट न्यू लाइन पे जा सकते हो। आपने कुछ टाइप किया है, वो आपकी फर्स्ट लाइन फिनिश हो गई है, आप चाहते हो कि हम उसको न्यू लाइन से लिखें तो आप एंटर की हेल्प पे। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा स्पेस बार की। स्पेस बार की क्या होती है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑफ द कीबोर्ड, इट इज़ यूज टू इंसर्ट स्पेस इन द टेक्स्ट। आप ये देख रहे हो हमारी कीबोर्ड है, हमारे कीबोर्ड पे सब कीज में नेम लिखे हुए ना, बट ये जो हमारी ग्रीन कलर की की हुई है इस पे तो कोई नेम आपको दिख नहीं रहा, ना कोई नेम शो कर रहा है, तो ये हमारी स्पेस बार की है। क्या है ये, स्पेस बार की है। आप इस की हेल्प से समथिंग आपने लिखा है एप्पल, ठीक, फिर आप इसी के साथ अपने कंप्यूटर पर टाइप कर दोगे बॉय, तो हम लोग आपसे बोलेंगे बेटा नहीं ये गंदा लग रहा है, आप इस पर थोड़ी स्पेस दो। तो आप जब इस स्पेस बार की को प्रेस करोगे तो हमारी ऐसे इस पर स्पेस हो जाएगा, फिर आपका एप्पल ऐसे हो जाएगा, थोड़ी सी स्पेस पे आपका बॉय हो जाएगा। स्पेस बार की का क्या यूज़ है, स्पेस बार की हेल्प से आप अपने किसी भी टेक्स्ट में स्पेस दे सकते हो। नाउ नेक्स्ट है हमारा बैक स्पेस की क्या होती है, द बैक स्पेस की इज़ यूज टू इरेज कैरेक्टर्स प्रेजेंट टू द लेफ्ट ऑफ द कॉर्नर। बैक स्पेस की से आपने लिखा है बॉय, ठीक, बॉय की स्पेलिंग तो बी ओ वाई होती है, ठीक, हमने लिख दिया बी ओ आर गलती से, तो आप बैक स्पेस की हेल्प से यहाँ पीछे से इसको इरेज करके सही कर सकते हो। पीछे से जब आप बैक स्पेस की प्रेस करोगे तो हमारा आर इरेज हो जाएगा पहले, तो आप इरेज करके अपनी स्पेलिंग सही कर सकते हो। बैक स्पेस की का क्या यूज़ है, बैक स्पेस की हेल्प से आप अपना किसी भी आपने रॉन्ग वर्ड अपने कंप्यूटर पे अगर आपने मॉनिटर पे लिख दिया है कंप्यूटर पे कीबोर्ड की हेल्प से, तो आप उसे बैक स्पेस की से पीछे से इरेज करके उसको सही कर सकते हो। ना नेक्स्ट है डिलीट की। डिलीट की क्या होती है, द डिलीट की इज़ यूज टू डिलीट कैरेक्टर्स प्रेजेंट टू द राइट ऑफ द कर्सर। हमारे डिलीट की का क्या यूज़ है, पहले आप देखिए ये हमारी कीबोर्ड की पिक्चर है, ठीक है, ये जो हमारी ग्रीन कलर की है वो हमारी बैक स्पेस की है, ठीक, ये ऑरेंज कलर की हमारी डिलीट की है। डिलीट की का सिर्फ डेल लिखा है, डी ई एल डेल, ठीक, आप डिलीट की हेल्प से आप पीछे से इरेज कर सकते हो। जैसे ये देखिए, फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग, आपको गोइंग की स्पेलिंग रॉन्ग नहीं लग रही है ना, गोइंग की स्पेलिंग तो ये होती है, तो हम बैक स्पेस की हेल्प से तो पीछे से इरेज कर सकते हैं, ठीक, बैक स्पेस की से हम क्या करेंगे, पीछे से इरेज करेंगे, बट जो हमारी डिलीट की होगी उसमें हम आगे से इरेज कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा, द डिलीट की इज़ यूज टू डिलीट कैरेक्टर प्रेजेंट टू द राइट ऑफ द कर्सर। समथिंग आपको एप्पल की स्पेलिंग लिखनी है, आपने पहले गलती से ओ लिख के ये लिख दिया, आप चाहते हो कि हम ओ इरेज करके ए लिखें, तो आप डिलीट की हेल्प से अपना कैरेक्टर आगे से राइट साइड से डिलीट करके सही कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की क्या होती है हमारी, ना श्रीवास्तव नॉन स्टार्टिंग एक्सप्लोरिंग द कीबोर्ड,
He notes a key with caps lock written on it. His mother tells him that when the caps lock key is pressed, any letter that you type appears in capital letter. पहले तो आप देखिए, ये हमारी कीबोर्ड है, ठीक। ये जो ग्रीन कलर का है हमारा, वो हमारा कैप्स लॉक की है। क्या है वो हमारा? कैप्स लॉक की। आप कैप्स लॉक की हेल्प से अपना किसी भी कैरेक्टर, आप जैसे एप्पल जब लिखते हो तो पूरा स्मॉल लेटर में लिखते हो, ठीक, बट आप चाहते हो कि वो पूरा कैपिटल लेटर में आए। तो आप जब यहाँ से कैप्स लॉक की प्रेस करोगे तो आप देखोगे हमारे कीबोर्ड में यहाँ पे ग्रीन कलर ग्रीन लाइट शो करेगी, तो आपका पूरा कैरेक्टर कैपिटल लेटर में आ जाएगा। कैपिटल कैप्स लॉक की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अपने पूरे वर्ड्स को कैपिटल लेटर में लिख सकते हो। समथिंग आपने पहला वर्ड कैपिटल लेटर में लिख दिया कैप्स लॉक की हेल्प से, आप चाहते हो कि हम बाकी स्मॉल लेटर्स में लिखें, तो आप इसको प्रेस करोगे, इसको ऑफ कर दोगे। जब आप फिर से कैप्स लॉक की प्रेस करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे लाइट हमारी ऑफ हो गई है, तो फिर आप स्मॉल लेटर में लिख सकते हो। नाउ देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट एरो की है। एरो की, ये देखिए, ये एरो की पिक्चर, ये हमें ऊपर नीचे आगे पीछे लेके जाने में हेल्प करती है। श्रीवास्तव नोट्स फोर की ऑन द कीबोर्ड। ही स्टार्टेड सेइंग मूविंग, मूव अप, मूव डाउन, मूव लेफ्ट एंड मूव राइट। हिज मदर टेल्स हिम दैट दिस आर एरो कीज एंड दिस आर यूज टू मूव द कर्सर अप, डाउन, लेफ्ट and right. She also tells him that the arrow keys are also known as the cursor control key. देखिए श्रीवास्तव देख रहा है कि हमारे कीबोर्ड में फोर एरो की है जो हमें ऊपर नीचे आगे पीछे लेके जाने में हेल्प करती है। उसकी मम्मा उसे बताती है कि ये हमारी कर्सर को ऊपर नीचे आगे पीछे लेके जाती है, और हम एरो की को कर्सर कंट्रोल की भी बोलते हैं। ना नेक्स्ट है हमारा नम लॉक की। पहले देखिए, ये है हमारी एक्टिविटी, ठीक। फाइंड द कीज, ये आप करोगे। ना नेक्स्ट है हमारा नम लॉक की। नम लॉक की क्या होती है? द नम लॉक की इज यूज टू टाइप नंबर्स प्रेजेंट ऑन द नंबर पैड। व्हेन दिस की इज प्रेस्ड अ ग्रीन और रेड लाइट अपीयर्स। नम लॉक की क्या होती है? नम लॉक की हेल्प से आप कोई भी नंबर टाइप कर सकते हो। हमने आपको नंबर की में दिखाया था कि हमारी नम लॉक की जो होती है उसमें हम प्रेजेंट किए रहते हैं। जब हम उसे प्रेस करेंगे तभी हमारी ग्रीन कलर की लाइट शो होगी ना। जब ग्रीन कलर की लाइट शो होगी इसका मतलब है हमारी नम लॉक की ऑन हो गई है। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है शिफ्ट की। शिफ्ट की क्या है? द शिफ्ट की इज यूज्ड अलोंग विद द अदर कीज। देयर आर जनरली टू शिफ्ट कीज ऑन अ कीबोर्ड। दिस कैन बी यूज्ड इन टू केसेस। हमारी शिफ्ट हमारे कीबोर्ड में आप देखिए तो दो शिफ्ट की है, एक है, एक देखिए दो ग्रीन कलर की है, तो वो हमारी दो शिफ्ट की है। ना स्टूडेंट, ना स्टूडेंट नेक्स्ट क्या है हमारा? कंट्रोल की। कंट्रोल की क्या होती है? द कंट्रोल की इज यूज्ड अलोंग विद अदर की टू डू डिफरेंट थिंग्स। फॉर एग्जांपल द कंट्रोल प्लस सी की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू कॉपी द सिलेक्टेड। द प्लस साइन, the plus sign here means that you have to keep the control key pressed while pressing the C key. Copying test will be explained later. देखिए, आपने अपने कंप्यूटर पे कुछ लिखा है, ठीक, आपने कुछ टाइप किया, आप चाहते हो कि वही चीज हमारी कॉपी होके दूसरी जगह भी शो करे, तो आप क्या करोगे? कंट्रोल प्लस ए, दोनों की आप साथ में ही प्रेस करोगे तो वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट हो जाएगा तो वो ब्लू ब्लू लाइन शो करेगी। फिर आप उसमें कंट्रोल प्लस सी करोगे। कंट्रोल प्लस सी हमारी कॉपी की शॉर्टकट की होती है। ये देखिए, ये लिखा हुआ है ना कंट्रोल प्लस सी, ये हमारी कॉपी की शॉर्टकट
की है, आप जब इसे प्रेस करोगे तो वो कॉपी हो जाएगा। फिर माउस की हेल्प से आप अपना कर्सर दूसरी जगह लेके जाओगे जहाँ पे उसे आपको कॉपी करना है, फिर आप वहाँ पे कंट्रोल प्लस वी करोगे। कंट्रोल प्लस वी क्या है? कंट्रोल प्लस वी हमारे पेस्ट की शॉर्टकट की है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है? टैप की। टैप की क्या होती है? द टैप की मूव्स द कर्सर टू द राइट बाय इंसर्टिंग मेनी ब्लैंक स्पेस एट वंस। देखिए ये हमारा कीबोर्ड की पिक्चर है, ये आपको ग्रीन कलर से किया हुआ दिख रहे हैं ना, ये हमारी कंट्रोल की है। ये देखिए ये है ऑरेंज कलर से, ये है हमारी टैप की। टैप की क्या हेल्प करती है? जब आप लिख रहे हो, आप चाहते हो कि हमें बहुत सारी ब्लैंक स्पेस मिल जाए, सिर्फ स्पेस बार की से तो हम थोड़ी सी स्पेस लेते थे, अब टैप की से हम थोड़ा ज्यादा मैनी ब्लैंक स्पेस ले सकते हैं। आप कुछ लिख लो, आप चाहते हो कि हमें थोड़ा ज्यादा स्पेस मिले तो आप टैप की प्रेस करोगे तो वो आपको ज्यादा स्पेस देगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारा? विंडोज की। विंडोज की क्या होती है? द विंडोज की हैज द माइक्रोसॉफ्ट लॉग इन ऑन इट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्टार्ट की। वेन यू प्रेस दिस की द स्टार्ट मेन्यू अपीयर्स। देखिए आप जब विंडोज की ऑन करोगे, विंडोज की प्रेस करोगे तो आपको स्टार्ट मेन्यू आपको ओपन होके आएगा। ठीक, विंडोज की हेल्प से आप अपना स्टार्ट मेन्यू ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है स्केप की। स्केप की क्या होती है? द स्केप की इज यूज टू क्लोज अ मेन्यू और अ डायलॉग बॉक्स। इफ यू प्रेस द विंडोज की बाय मिस्टेक अ मेन्यू अपीयर्स। टू क्लोज दिस प्रेस द स्केप की, द मेन्यू डिसअपीयर। श्रीवास्तव मदर नाउ आस्क हिम टू टाइप द चेकलिस्ट। शी आस्क हिम टू प्रेस द नंबर की एंड टाइप वन। शी टेल हिम टू अगेन प्रेस इट टू टर्न it off. He started listening the things he need to care for the picnic. Now he prepared to use the number key on the number pad. He now knows that he can move to the next line by just pressing the enter key. देखिए ये हमारी जो green color से दिख रही है वो हमारी escape key है ना। स्टूडेंट्स देखिए, आप जब कंप्यूटर पे वर्क करते हो तो आप वर्क कर रहे हो, बाय मिस्टेक आपसे पूरा ऑप्शन खुल गया। ठीक, बाय मिस्टेक आपसे विंडोज की खुल गई तो उससे पूरे स्टार्ट मेन्यू के ऑप्शन खुल गए। तो आप जब स्केप की प्रेस करोगे तो आप उसे क्लोज कर सकते हो। नाउ आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।